माइनक्राफ्ट 1.20 में ऐड हुआ है एक नया बायोम, लेकिन इस बायोम में ना स्पॉन होता है कोई स्ट्रक्चर और ना कोई नया मॉब, तो इसलिए आज मैं इस माउंटेन को कन्वर्ट करने वाला हूँ एक चेरी ब्लॉसम विलेज में, एंड इसका एंड रिजल्ट लिटरली माइंड ब्लोइंग होने वाला है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियो में जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये रहे आज के शाउट आउट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट, एंड बारिश शुरू हो गई। तो जो भी हो, हम इस विलेज को स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले हैं। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि इस एरिया को थोड़ा क्लियर करना। तो सबसे पहले मैं इस माउंटेन को बीच में से ट्रिम करने वाला हूँ, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो चालू करते हैं अपना विनाश का काम। ऑल राइट, तो ये एरिया एंड ये एरिया हो चुका है नाइस एंड क्लीन। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे, जो कि है बिल्ड अ वाटरफॉल। तो इस वाटरफॉल के लिए सबसे पहले मैं नीचे यहाँ पर एक गड्ढा खोदने वाला हूँ। तो एंड डन। तो अभी हमें यहाँ पर वाटरफॉल बनाने के लिए ऊपर से हुआ वाटरफॉल बनाना पड़ेगा। व्हाट, वाटरफॉल बनाने के लिए ऊपर से वाटरफॉल बनाना पड़ेगा? ओ भाई, ओके, तो फालतू बातें साइड पे रखते हैं। तो वाटर जाएगा ठीक यहाँ पे। ओके, तो हमारा वाटर नीचे तक फ्लो हो रहा है, एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। एंड वाओ, ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर वाटरफॉल में से एक है। ओके, सो लेट्स फिक्स दिस। तो मुझे अब वाटर का फ्लो थोड़ा बाई तरफ करना है। ओके ओके, इट्स वर्किंग। नाउ रिमूव ऑल दिस ब्लॉक्स। ओके, नॉट बैड, बट थोड़ा और टचअप चाहिए। यस, अभी अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टोन लाया, तो स्टोन को मैं यहाँ पर साइड बाई साइड लगाने वाला हूँ, तो इससे वही चीज थोड़ा नेचुरल लगेगा। मतलब आप लोग तो ये है कुछ लास्ट के स्टोन्स, एंड ओ माय गॉड, एंड जस्ट लाइक दैट हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है, जो कि है बुल्ड वाटरफॉल। एंड एक ज़ॉम्बी ऑलरेडी मेरे वाटरफॉल में मजे कर रहा है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारा थर्ड स्टेप पे, जो कि है फाइंड ए चेरी ग्रोव, एंड डेफिनेटली मैंने इसे फर्स्ट टाइम में बोला था। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारा थर्ड स्टेप पे, जो कि है तो चेरी ब्लॉसम यहाँ पर ज्यादातर माउंटेन एरिया के पास ही स्पॉन होता है। तो मैं अपने घर के विलेज के पीछे जो वाला माउंटेन है उसके चारों तरफ यहाँ पर ढूंढने वाला हूँ, शायद से मुझे यहाँ पर कुछ नया चंक में यहाँ पर अपना चेरी ब्लॉसम बायोम मिल जाए। एंड यस, वी फाउंड इट। तो यहाँ से हम लोग जितने सारे आइटम कलेक्ट कर सकते हैं सबको लेके चलते हैं घर। ओके, तो बहुत सारा आइटम कलेक्ट हो चुका है, और मुझे मत पूछो कि मेरे हेल्थ की हालत कैसे हो गई। तो अभी घर चलते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमारा स्टेप 3 कम्प्लीट हो चुका है, और अभी बढ़ते हम लोग स्टेप 4 पर, जो कि है बिल्ड द विलेज। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल विलेज बनाने वाला हूँ, जो कि शायद से आप लोगों को पता ही होगा ट्रेडिशनल जो माइनक्राफ्ट का विलेज होता है। ट्रेडिशनल, ओ भाई, यूट्यूबिंग इज हार्ड। तो यहाँ पर चेरी वुड से कुछ चीजें बना लेते हैं, जो कि हम लोग को घर बनाने के लिए चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग। सबसे पहले जाएगा फाउंडेशन, एंट्री के लिए एक स्टेयर, अभी साइड पे चेरी लॉक्स, क्योंकि ऑब्वियसली एक चेरी विलेज है। अभी बीच में वॉल विलेजर्स को हवा से बचने के लिए, बीच पे एक खिड़की, और बारिश से बचने के लिए एक छत, एंड फाइनली एक दरवाजा। तो ये बन गया हमारा एक माइनक्राफ्ट का विलेज का हाउस। तो यहाँ पर देखते ही देखते एक सेम घर यहाँ पर बन जाएगा, एंड देयर वी गो, यहाँ पर हो गए हैं दो घर। लेकिन मैं यहाँ पर सेम हाउस बार बार नहीं बना सकता, इसलिए मुझे वेरिएशन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी बहुत सारे घर बना लेते हैं, और सारे के सारे डिजाइन मैंने यहाँ पर ओक के विलेज से लाया है। सिर्फ यहाँ पर मैंने ओक के लॉक्स और यहाँ पर प्लैंक्स को यहाँ पर चेरी के लॉक्स और प्लैंक्स से कन्वर्ट कर दिया है। ऑल राइट गाइस, तो मैंने घर तो बना लिया है, लेकिन मेरा बीच में यहाँ पर एक मार्केट प्लेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मल के ओक के विलेज में होता है। तो कुछ इस तरीके से मुझे अब नॉर्मल मार्केट प्लेस बनाना है, उसके ऊपर मुझे ऐसे करके अब उल लगाना है। तो सारे बुल्स के साथ अपना विलेज कैसा लगने वाला है वो तो आप लोगों को थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो फिलहाल आप लोग मेरे विलेज के हाउसेस को चेक करो। तो ये रहा हमारा भाई पहला हाउस, तो यहाँ पर मैं नया बनाया है। तो ये भाई कुछ पेंटिंग वाला रूम था शायद से, कुछ ऐसा ही था। यहाँ पर बीच में एक ब्लास्ट फर्नेस जाएगा। तो ये रहा हमारा सेकंड हाउस, और पता नहीं है कौन सा हाउस है, पर ये विलेज में था इसलिए मैंने बना दिया। तो अभी चलते इसके अंदर। तो ये रहा भाई अंदर वाला पार्ट, और इसके ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर बालकनी। हाँ भाई, बहुत ही अच्छा घर है। मेरे ख्याल से ये मेयर का हाउस होगा, ऊपर से बालकनी से सबको देखता था शायद। अभी बाकी के घर इन घरों की कॉपी है, तो उन लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इस विलेज में एक चीज मिसिंग है, जो कि है पाथ। हाँ, हर विलेज में कोई ना कोई पाथ होता ही है, जो कि सारे सारे घर को कलेक्ट करता है। ऑल राइट, हमारा पाथ कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं विलेज के सेंटर में एक कुआं बनाऊंगा। तो साइड पे जाएगा फेंसेस, ऊपर जाएगा स्लैब, एंड बीच में एक
पेल एंड फाइनली एक वाटर बकेट। चलो अपना कुआ तो बन गया, लेकिन विलेज में एक और चीज होती है जो कि है एक क्रॉप फार्म। अपना विलेज तो बन गया, लेकिन आप लोगों को क्या पता है हर विलेज में एक ना एक पेट होता है, जैसे कि भाई डेजर्ट विलेज में यहाँ पर कैमल होता है और ओक के विलेज में हॉर्स होता है, लेकिन हमारे चेरी ब्लॉसम विलेज में कौन सा पेट होगा? नया मॉब स्निफर ऐड हुआ है, एकदम परफेक्ट होगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेप पे जो कि है फाइंड ए स्निफर एग। तो स्निफर एग सिर्फ वार्म ओशन रूइंस पे मिलता है, तो चलते हैं वहां पर। लेकिन जाने से पहले एक काम करते हैं कि सारे के सारे हाउस पे यहाँ पर एक पिंक बेड लगा देते हैं। ओके, तो अभी चलते हैं एग्स ढूंढने। ऑल राइट, तो यहाँ पर मुझे एक मैनग्रोव बायोम मिल गया, लेकिन मैं यहाँ पर बाद में कभी आऊंगा, अभी तो जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर ब्रश लेके आ चुका हूँ हमारे पहले ओशन रुइन पे। सस्पिशियस सैंड, ओह ये रहा, लेट्स सी क्या निकलता है। एंड व्हीट, नाइस, ये रहा एक और इसमें से निकला एग्स। एंड ये रहा थर्ड वन, देखते इसमें से क्या निकलता है। एंड वी गॉट इट गाइस, ये तो स्निफर एग है। ओ भाई, इस एग के चक्कर में मर ना जाओ भाई, थोड़ा सा बचाओ, अभी मर जाता मैं तो। गाइस यहाँ पर मुझे एक स्निफर एग मिल चुका है, लेकिन मुझे एक से काम नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर मुझे इन लोगों को बीट कराना है तो मुझे एक और स्निफर चाहिए। तो अभी मैं जाऊंगा एक और एक ढूंढने। ओके, तो मुझे एक शिपरेक मिला, देखते हैं कि इसके अंदर मुझे कुछ अच्छा सा लूट मिल जाए तो अच्छा होगा। और मैंने सुना है कि भाई शिपरेक के अंदर मुझे आर्मर ट्रिम भी मिल सकता है। एंड गाइस मिल भी चुका है, वाओ, ये भाई कौन सा कोस्ट आर्मर ट्रिम, लिटरली मुझे मिल भी गया। लेकिन मुझे एक और अंडा मिल ही नहीं रहा, तो मुझे यहाँ पर एक पिलेजर आउटपोस्ट भी मिला और इसके अंदर भी भाई आर्मर ट्रिम होने का चांस होता है, तो नहीं यार पर तो मुझे नहीं मिला। ओके, तो अभी ओशन के पास में मुझे एक डेजर्ट टेम्पल और उसके साथ एक विलेज मिल गया। एंड देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है, तो लेट्स गो गाइस। जो सोचा था गाइस, यहाँ पर भी मुझे एक और नया आर्मर ट्रिम मिल गया। तो डेजर्ट टेम्पल की इस जगह में बहुत सारे सस्पिशियस स्टैंड होते हैं, उसके अंदर मुझे बहुत सारे पॉटरी शार्ट मिल सकते हैं, तो मैं इस जगह को पूरा अब खोज के देखने वाला हूँ मुझे क्या क्या मिलता है। तो मुझे यहाँ से 3 नए शार्ड मिले। तो सुनने को आया है कि डेजर्ट विलेजेस के अंदर यहाँ पर कैमल स्पॉन होता है। वेट, व्हाट, देयर इज नो वे कि मैं इसे इतनी दूर अपने घर पैदल ले जाऊँ। मैं बाद में जरूर आऊंगा तुम्हें लेने, लेकिन अभी तो चलते हैं हम लोग अपने काम पे। आई थिंक दैट्स इट गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्निफर एक मिल चुका है। चलो गाइस, हमारा काम फाइनली कम्प्लीट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर घर जाते समय मुझे एक और डेजर्ट टेम्पल मिला है, तो जरा जाते जाते इसको भी लूट के जाते हैं। ऑल राइट गाइस, वी आर बैक होम। तो इन अंडों को लगाते हैं यहाँ पर एंड अभी वेट करते हैं। तो गाइस मुझे एडवेंचर के बाद जितने सारे पॉटरी शार्ड मिले थे उनसे मैंने 3 पॉटरी बना लिया है और यहाँ पर हमारे स्निफर्स भी हैच हो चुके हैं। एंड फाइनली हमारे काम को खत्म करने के लिए मैं इस पूरे बायोम के फ्लोर पे लगाने वाला हूँ पिंक पेटल्स। एंड जस्ट लाइक दैट, दिस इज हाउ आई बिल्ड चेरी ब्लॉसम विलेज इन माइनक्राफ्ट सर्वाइवल।